तो कमाई की नई सौगात बताने के लिए हमारे साथ संजीव बसीन जी जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग बसीन जी, कल एक अच्छा मौका था जिन लोगों ने बाइंग की होगी, लेकिन कोई बात नहीं, जिनके पास आज कल मौका नहीं था उनके पास आज है। आज बताइए कौन सी पिक्स ऐड करें। गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको भी, अजय को और सबको और दर्शकों को, क्योंकि जैसे मैंने कहा हिस्टोरिकली, कल मैंने इंग्लिश चैनल पे कहा था कि फियर एंड द फर्स्ट गन्स व्हेन दे आर फायर्ड आर जनरली अ वेरी गुड बॉटमिंग आउट प्रोसेस। और दूसरी बात, यू नो, इवन ऑन फ्राइडे डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग जॉब नंबर्स, US markets are discounting all bad news, which was evident yesterday. और मुझे लगता है, you know, it's a very unfortunate event, जहाँ इतनी loss of lives है, but I think this will be short-lived and is a buying opportunity because सारी bad news है. Secondly, Priyanka ji, आपने देखा bond yields because of a flight to safety came down by 14 basis point and so has the dollar weakened. मुझे यहाँ से dollar 102 दिखता है and yields can fall faster than you thought. Which means emerging markets can be a very sweet spot. और इंडिया मेरे को आउट परफॉर्मर है। कल आपको इंट्राडे में भी अशोक लीलैंड और AU बैंक दिया था। आज के मेरे दो टॉपिक्स हैं, आप कहें तो मैं बताऊं। बिल्कुल, यस, बताइए संजीव जी। तो देखिए, लार्ज कैप में रिलायंस पे जाइए। नॉट फ्रॉम माई हार्ट बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई थिंक इस मार्केट को अगर बढ़ना है तो रिलायंस इज द परफेक्ट बेलवेदर। आपने देखा है 0.59% उन्होंने अभी ADAI को बेचा इन रिलायंस रिटेल, विच पुट्स द मार्केट कैप क्लोज टू 9 लाख करोड़। और आप बता दें कि ऑयल टू केमिकल, जियो एंड द न्यू एनर्जी बिजनेस इज जस्ट वर्थ 6.5 लाख करोड़। आई थिंक दैट इज मच अंडर प्राइस। तो मुझे रिलायंस यहाँ से 2600 का भाव दिखता है और 20,000 इसी महीने में दिखता है, मैंने पहले भी कहा था। तो इंडेक्स में रिलायंस मेरा टॉप पिक है और ये 2300 का भाव बहुत ही अट्रैक्टिव बाय है। दूसरा मेरा पिक है टाटा पावर। Unquestionably, it is the biggest beneficiary of green energy or EV charging stations and EV. Tata Power is leading the pack. साथ में इस quarter में numbers will be very strong because their input costs have also fallen. So I think 250 रुपए पे Tata Power has a very good risk reward. 270, 275 is the recent top. I can see that. Keep a stop loss of 242. On Reliance, keep a stop loss of 2250 and ride it for 2575 to 2600. ओके, टाटा पावर और रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2600 का भाव इसी महीने, आई एम श्योर ये इस बात से अजय तो खुश होंगे। अजय, क्योंकि आज सुबह भी पूछ रहे थे कि रिलायंस क्यों नहीं चल रहा इतनी सारी न्यूज के बाद। हाँ, टेक्निकली सभी बोल रहे हैं ओवरसोल्ड हो चुका है, न्यूज फ्लो भी पॉजिटिव है। मामला क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई है हसीन साहब ने, की पहली बात तो है की 20,000 इसी सीरीज में होने की उम्मीद है और उसमें रोल इसका रहेगा खींचने का, क्योंकि ऑब्वियसली 15% वेट है तो खींचे गई। मैं आईटी स्टॉक से भी आपकी राय लेना चाह रहा था बसीन साहब, कल आईटी फ्रंट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे थे। अभी आपको रिजल्ट्स के पहले वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटी दिख रही है किसी में? देखिए, आईटी में जब सब अंडरवेट हो गए थे तो वहां मौका था। अब ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि HCL, टेक महिंद्रा, TCS is hitting new highs. और अजय जी, अगर TCS का fifth buyback है, now they will be, you know, split opinion के is it because the stock is undervalued or they want to return capital. Either way, मेरे को लगता है कभी भी आपने TCS में invest किया हो, क्योंकि जब भी buyback आया है वो almost 15% घटता है वहां से। You have been in the steadiest of ship. मुझे अभी भी HCL Tech और Tech Mahindra और Persistent बहुत पसंद है। However, as a disclosure, ये हमारे यहाँ काफी नीचे भाव से है, but अजय, I would say कि be little contrarian because IT में, you know, US की उतार चढ़ाव की slowdown, AI की अभी भी headwinds हैं, whereas pharma has been the other star, Lupin, Aurobindo, Dr. Reddy, तो मेरे को लगता है आपको अगर निवेश करना है एक pharma का ETF या pharma thematic fund लीजिए, SBI and Nippon have a very good pharma fund. और अगर आप basket of stocks लेते हैं both IT और इसमें, you will be richly rewarded. Don't go for individual stocks because earnings are around the corner. तो एक basket लेना या एक mutual fund लेना would stand you in good stead. एक बहुत handy pick बताई है कि pharma खेलिए और pharma में एक pharma fund ले लीजिए। ये SIP के द्वारा शुरू करना चाहिए या लमसम भी डाल सकते हैं, ये जो फार्मा फंड्स आपने रेकमेंड किए कोई एक इसमें से चुन के? संजीव जी,
नहीं अजय जी अभी तो ऐसा भी कीजिए, बिकॉज वॉलेटिलिटी है और मैं और आप तो कह सकते हैं कि बॉटम या टॉप है, लेकिन मार्केट का कुछ पता नहीं, कुछ भी इवेंट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे शिफ्ट कीजिए, और अगर आपको फॉर एनी रीजन मिल जाए निफ्टी और नीचे या फार्मा के स्टॉक्स, उस समय आप अपना शिफ्ट बढ़ा लीजिए। बिकॉज मुझे ये कॉन्फिडेंस जरूर है कि इंडिया इज हेडेड मच हायर बिफोर वी सी एनी टॉप बीइंग मेड, और ये एक करेक्शन है, रनिंग करेक्शन, और अब तो इवेंट्स भी डिस्काउंट हो रहे हैं बिकॉज ऑल मोर ऑर लेस जियोपॉलिटिकल रिस्क इज ऑल्सो गेटिंग प्राइस्ड। आखिरी सवाल जाने से पहले मैं जान रहा हूं कि आपका अदानी पोर्ट्स से भी पॉजिटिव रवैया है। अदानी पोर्ट्स में आज भी एक मोतीलाल ओसवाल ने 1000 प्लस की कॉल दी है, और इनफैक्ट कल हमने देखा अदानी पोर्ट्स 25 साल अपने खत्म कंप्लीट कर रहा है। इसमें क्या राय बन रही है आपकी इस भाव से? तो अजय जी पहले तो मैं आपको डिस्क्लोजर दे दूं कि ये जब ये जनवरी एंड फरवरी में क्राइसिस आया था, हमने अपने ब्रेव हार्ट क्लाइंट्स को अडानी पोर्ट और आईसीसी अंबुजा होल हार्टेडली दिलाया, और हमें कोई इंटेंशन नहीं उसको अभी बेचने की या आगे भी बेचने की, बिकॉज ये जो मोनोपोलीज है, मैंने अडानी पोर्ट की वर्किंग देख रखी है, इट इज आई थिंक आर्गुएबली द थर्ड बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस ये थोड़ी अनसर्टेनिटी आ गई बिकॉज दे हैव अ 2% एक्सपोजर ऑन द हाइफा पोर्ट, दैट वाज मोर टू डू टू गेट एन एक्सेस इनटू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बट यू नो जैसे उन्होंने गाइड किया, दे आर ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉर एंड दे हैव यू नो सेफली सेफगार्डेड देयर ओन इन्वेस्टमेंट एंड द पीपल। मुझे लगता है ये डिक्लाइन इज मोर ऑफ अ सेंटिमेंटल वीकनेस, और ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, कोई दो राय नहीं। अडानी पोर्ट अंबुजा मस्ट बी अक्यूमुलेटेड फॉर अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पीरियड, बिकॉज अपने अपने क्षेत्र में दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं ऑन अ फाइनेंशियल फ्रंट। ठीक है, एब्सोल्युटली अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट पर आपका कन्विक्शन पहले से ही स्ट्रॉन्ग था, और आज दो जो नई पिक्स ऐड हुई है वो टाटा पावर और रिलायंस इंडस्ट्रीज है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी समय देने के लिए, ये सारे स्टॉक्स हमें समझाने के लिए, हमारे व्यूअर्स को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह फिर होती है आपसे मुलाकात। चलिए भसीन जी भी हमारे साथ आ गए हैं, गुड मॉर्निंग भसीन जी, आपसे बाजार पर भी एक व्यू लेंगे। पहले तो कंग्रेचुलेशंस, कल जिस तरह से आपने बाजार पर अपना जिस कन्विक्शन के साथ अपना व्यू दिया, अब 20,000 भी बहुत पास लग रहा है। आप 20,000 वैसे ही कह रहे थे कि अगले हफ्ते तक आएगा, पहले तो कंग्रेचुलेशंस बाजार पर ये जो व्यू बनाने के लिए, हैवी वेट्स पे व्यू बनाने के लिए, और आज की बातचीत फिर शुरू करते हैं। लेकिन एक स्टॉक, स्पेशल स्टॉक जिस पर आपकी राय भी जानना चाहेंगे, जिसे हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे राघवेंद्र के साथ, वो नवीन फ्लोरीन, कि इस पे और कितना प्रेशर आ सकता है। केमिकल स्पेस, पूरा ही केमिकल स्पेस जिस तरह के एक लाल पीरियड में, इन्वेंट्री पाइलअप है, चाइना के प्राइसिंग प्रेशर है, और स्पेशली जहां मैनेजमेंट की विजिबिलिटी नहीं दिख रही है बाजार को, स्पेशली नवीन फ्लोरीन जैसे स्टॉक पे। गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, थैंक यू। आपको सही कहा था कि देखिए हिस्टोरिकली जब भी ऐसे इवेंट्स होते हैं, जियोपॉलिटिकल रिस्क गेट्स प्राइस्ड इन एंड इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। नाउ आई नो इट्स rather unfortunate loss of life and so on, but aap dekh sakte hain US is not falling on bad news, which is in fact they are going up, or the flight to safety in bond yields will mean yields will come down, when jo indirectly dollar ko weak karta hai, emerging markets particularly India will start to outperform. Saath mein aaj agar aap dekhen to most people who were underweight India are now turning overweight, and they don't want to miss this opportunity. Regarding specialty chemical, आप ये लेके चलिए कि कल चाइना ने अपने आप अनाउंस किया है कि they are contemplating a very big package to revive the economy. और अगर वो revival आता है, तो it will definitely impact metals and specialty chemicals in a indirect way. We know that the environment issues has seen a lull, and there was a spurt in lot of these stocks. Navin Fluoro is a very very unique stock in its array of portfolio. और मैं यहाँ जरूर कहूंगा कि यहाँ लेने वाला है इस भाव में। आई कैन अंडरस्टैंड दैट द मैनेजमेंट चेंज और सम वेरिएबल ओवर देयर, बट उसके अलावा मुझे लगता है द प्राइस कंफर्ट इज देयर। दूसरा आप ये लेके चलिए कि आज ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि दे मे कॉन्टेम्पलेट 30% मोर सब्सिडी टू फॉर द फार्मर, विच इनडायरेक्टली विल मीन फ्लोरो एग्रोकेमिकल्स डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और यहाँ पे मैं आज जो मेरा पोजिशनल प्ले वो SRF है, इनफैक्ट SRF is not just a fluorochemicals largest player and specialty, it is also one of the largest 10 top players in BOPP, that is package filming. It is one of the largest player in nylon cord. And thirdly, jo uska fluorochemical hai, it's the sole supplier to Bayer.
तो इनडायरेक्टली एसआरएफ शुड बी अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट इन इफ ऑल दीज थ्री थिंग्स स्टार्ट टू कम. अर्निंग्स फॉर नवीन, एसआरएफ, अतुल, ऑल विल बी द कैटलिस्ट. बट आई थिंक बैड न्यूज इज ऑलरेडी इन द प्राइस. अभी मार्केट रोटेशनल सेक्टर्स देख रहा है, दे आर चेसिंग सम स्टॉक्स और सम सेक्टर्स विच आर आउट परफॉर्मिंग. बट ये सेक्टर्स में वी नो दैट द लॉन्ग टर्म स्टोरी इज एक्सट्रीमली गुड. तो मैं यहाँ जरूर दोहराऊंगा कि यहाँ नवीन को लेने की चेष्टा कीजिए, लेकिन मेरा टॉप पिक यहाँ पे एसआरएफ होएगा. ठीक है, तो नवीन पर भी आप नजर दे सकते हैं, प्राइस आकर्षक हैं, इन स्तरों पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अर्निंग्स भी अच्छे हैं और टॉप पिक्स जो है वो एसआरएफ है, तो इस पर भी आप नजर रख सकते हैं. संजीव जी, इसके अलावा और कौन से टॉपिक्स होंगे आपकी तरफ से आज के लिए? हाँ, गुड मॉर्निंग. तो देखिए, एसआरएफ इज अ स्लाइटली पोजिशनल प्ले. मेरे को 2750 का भाव दिखता है इसमें अगले 2 या 3 महीने में, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये ब्लू चिप है, इसको लेके रखिए. मैंने कल भी आपको बोला था, शेयर बाजार में आज की डेट में सबसे बड़ा वैल्यू पिक रिलायंस है. 9.5 लाख करोड़ की आप वैल्यूएशन रिलायंस रिटेल को दे रहे हैं, तो इसका मतलब ऑयल टू केमिकल, जियो एंड द न्यू एनर्जी और द अदर बिजनेसेस आर वर्थ 6 लाख 6.5, वो ऐसा हो नहीं सकता. मार्केट कैप शुड बी 20 लाख करोड़ अकॉर्डिंग टू मी. तो मेरे को इस समय सबसे बड़ा लार्ज कैप बढ़िया लगता है रिलायंस. और आज का जो इंट्राडे स्ट्रोक 2 दिन का प्ले होएगा वो होएगा चंबल और जीएनएफसी. फर्टिलाइजर पे रिलीफ आया है, चंबल हैज जस्ट गिवन अ ह्यूज ब्रेकआउट. चंबल के पास लोगों को शायद पता नहीं, 15% ऑफ देयर रेवेन्यू ऑल्सो कम्स फ्रॉम देयर शिपिंग बिजनेस विच इज डूइंग वेरी रोबस्ट. और चंबल विल बी अ वेरी गुड बेनिफिशियरी ये जो फार्मर के लिए रिलीफ आएगा 30% सब्सिडी का. तो 280 पे लीजिए, 273, 74, 73 का स्टॉप लॉस रखिए. 295-300 कैन कम इन चंबल इन द नेक्स्ट 2 डेज. ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर, एसआरएफ, ये कुछ स्टॉक्स हैं, इस पर आप नजर रखिए संजीव जी की तरफ से ये राय. थैंक यू सो मच संजीव जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए. तो कमाई की सौगात लेकर भसीन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं. भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए. स्वागत है टीनो स्वदेश पर. 2 दिन की बढ़िया तेजी भसीन साहब, मतलब बुल्स फिर से मोर्चा संभाल लिए हैं आकर. आप एक तो बताइए कि आपका फोकस आज कहाँ है, बाजार में कौन से स्टॉक्स पर है, और क्या ये युद्ध की जो चिंताएं हमास इजराइल की, बाजार इसको पूरी तरह से नजरअंदाज कर चुका है, आपको लग रहा है ऐसा? हाँ, गुड मॉर्निंग आपको भी और डिम्पी को भी. बिल्कुल, देखिए मौका और भाव साथ नहीं आते. अब ऑफ कोर्स इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि इतनी मास किलिंग हुई और सो ऑन, बट यूएस मार्केट्स हैव डिस्काउंटेड दैट. तीसरा दिन रनिंग मार्केट्स आर अप, और इस युद्ध के चलते हुए क्या हो गया, फ्लाइट टू सेफ्टी की वजह से यील्ड्स हैव फॉलन. डॉलर एज वीकेंड देख लेना, डॉलर 102 जाएगा. और तेल का भाव कल ऑलमोस्ट 4% से ज्यादा घटा है. तो तीनों चीजों का समरन अगर करो तो इंडिया इज इन अ स्वीट प्लेस. प्लस आपका अर्निंग सीजन, आपका फेस्टिव सीजन और रिन्यूड एफआई फ्लोस. एफआई यहां से मेरे हिसाब से सेकेंड हाफ में बायर्स बन जाएंगे. और चौथा, आपके पास जो आपकी जो रिटेल स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है. तो कोई दो राय नहीं, सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर विल सी न्यू हाइज. मैंने 20,000-20,200 तो आया ही आया. तो आप तैयारी कर लीजिए आपको क्या पोर्टफोलियो बनाना है. हाँ, थोड़ा सा आप बैंक्स की तरफ और सम्मेलन कीजिए, बिकॉज फॉल इन यील्ड्स एंड क्रेडिट ग्रोथ मींस बैंक्स विल रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग नंबर्स और आगे के लिए गाइडेंस भी अच्छी है. आप कहें तो मैं आज के भी कॉल दूं और कल के भी आपको अपडेट दे दूं. बिल्कुल बताइए सर, इंतजार कर रहे हैं लोग. तो देखिए, मुझे कल मैंने आपको रिलायंस एसआरएफ कहा था, कल मैंने इंट्राडे में, परसों आपको फियर में दिलवाया था गेल और अशोक लीलैंड, वो कल मैंने प्रियंका को प्रॉफिट भी बुक कराया. कल इंट्राडे मैंने एसबीआई लाइफ भी दिया था 1296, वो हाई पे बंद हुआ है. 1335-40 जाए तो बुक कर लीजिए इंट्राडे. आज के लिए 3 पिक्स है. सबसे पहले तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लीजिए. देखिए, 2 बेनिफिट है, रुपी की स्ट्रेंथ एंड फॉल इन क्रूड मींस मार्जिन्स विल बी हाई. आईओसी बीपीसीएल विल रिपोर्ट द बेस्ट क्वार्टर इन द लास्ट 8, और मुझे कोई दो राय नहीं, आईओसी बीपीसीएल यहाँ से आपको 10-12% का अपसाइड दे सकते हैं. तो फंडामेंटल कॉल है बेस्ड ऑन द नियर टर्म के क्रूड हैज फॉलन एंड सो हैज रुपी स्ट्रेंथन. तो आईओसी बीपीसीएल दोनों मेरे को 10% की तेजी दिखती है. थर्ड पिक होगा एसबीआई कार्ड्स. देखिए, एसबीआई कार्ड्स इज गेनिंग मार्केट शेयर फ्रॉम एचडीएफसी एंड एक्सिस, एंड इन दिस क्रेडिट स्पेंडिंग
कॉस्ट ऑफ मनी बीइंग लोएस्ट, एसबीआई कार्ड्स विल रिपोर्ट वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स, और साथ में क्रेडिट ऑफटेक बहुत फास्ट है, एंड आई थिंक दैट एसबीआई कार्ड्स एट 800 बहुत ही अट्रैक्टिवली प्राइस्ड है, मुझे 900 125 का भाव दिखता है बाय द एंड ऑफ द ईयर। जबरदस्त शेयर आईयूसी बीपीसीएल एसबीआई कार्ड। निम्पी, आपने ना आयुष को लेकर एक खुफिया जानकारी दी थी, एक जानकारी आपको ना भसीन साहब के बारे में मैं दे रहा हूँ। देखिए, भसीन साहब ना दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम के ना कैप्टन भी रहे हैं, तो बहुत कमाल के क्रिकेटर रहे हैं वो, तो बाजार में आ गए हैं, लेकिन चौके छक्के अब यहाँ लगा रहे हैं, लेकिन पहले बहुत चौके छक्के लगाए हैं। अच्छा, छक्कों से याद है, भसीन साहब कल आपने मैच देखा रोहित शर्मा के, आपने सिक्सेस देखे क्या? अरे अरे सर, मैं तो वही देख रहा था कि रोहित शर्मा ने कैसे ही रीगेन्ड हिज फॉर्म, एंड ये जो ना उसके जो डिट्रैक्टर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा वो था। तो थम्स अप, 14 तारीख का सब इंतजार कर रहे हैं, और आपने मेरे मन की बात की, क्योंकि क्रिकेट ऑफ कोर्स मैं तो व्हाइट क्लोथ्स में ग्राउंड ग्रीन और 3 डे मैच खेलता था, अब तो 20-20 ओवर में मैच खत्म हो जाता है, और साथ में ये हो गया है कि किसने सोचा था 430 रन 50 ओवर में बन सकते हैं। So there is a new reality in town that cricket is now, you know, becoming faster, and आपको एक जितनी fast आप market देखते हो उतनी fast भाव बदलते हैं, scores बदलते हैं, 10 over में पूरा match बदल जाता है। जैसे कल आपके पाकिस्तान ने बदल दिया, 10 over में उनके रिजवान ने पूरा match बदल दिया, तो exciting and I think looking forward to voting with a thumbs up to India। बिल्कुल, देखिए भसीन साहब, इंडिया में तो लोग खुश हैं, पाकिस्तान में लोग थोड़े से घबराए हुए होंगे। 14 तारीख को जो मैच होगा ना, तो रोहित शर्मा की वो सिक्सेस फिर से में दिखेंगे। और आपके बारे में कहना चाहेंगे सर, देखिए आपने भले 2020 नहीं खेला है, लेकिन मार्केट में तो आप 2020 ही खेल रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया आपका आज समय देने के लिए और बेहतरीन स्टॉक्स भी बताने के लिए।